हाय एवरीवन, आज हम मटर से बनी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हल्का फुल्का सॉफ्ट फुला फुला नाश्ते की रेसिपी लेके जो 5 मिनट बना के रेडी कर सकते हो। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। इस तरह से हरी चटनी के साथ खाइए, गजब की लगती है। सुबह शाम के नाश्ते में कुछ झटपट बना के खाना हो तो इस रेसिपी का जरूर ट्राई करिएगा। अब चलिए देर किस बात की, इस टेस्टी हेल्दी नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्सर जार ले लिया है, एक कच्चा आलू ले लिया है, छिलका हटा के छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, फिर धो लिया है। अब हम आलू को डालेंगे और एक कप मटर मिलाएंगे, दो हरी मिर्च, एक चम्मच भर के दही मिलाएंगे। अब हम इसको पीस लेंगे, पीस लिया है। अब बाउल में निकाल लेंगे, मिक्सर जार के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के जो लगा हुआ है वो निकाल के ले लेंगे। इस तरह से देखिए, इसी तरह से महीन पीस के लेना है। बाइटिंग के लिए एक कप चावल का आटा मिलाएंगे, चावल के आटे के जगह आप सूजी भी मिला सकते हो। इसको हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए कुछ सब्जी मिलाएंगे, एक बारीक कटी हुई टमाटर, एक प्याज, एक शिमला मिर्च, हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, थोड़ी सी गर्म मसाला पाउडर, गर्म मसाला थोड़ा सा ही डालना है। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अब सर्दी का टाइम है, मटर बहुत आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते में मिल जाते हैं। आप मटर से कोई भी रेसिपी बना के खा सकते हो, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब पसंद करेंगे और सब मांग मांग कर खाएंगे। बहुत ही आसान और हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। मिक्स कर लिया है, अब इसका 10 मिनट रेस्ट पर रखेंगे और इसके साथ खाने के लिए एक चटनी बनाएंगे। अब इसको साइड में रख देंगे। मिक्सर जार ले लिया है, हरा धनिया डालेंगे, 3 हरी मिर्च डालेंगे, सूखा नारियल ले लिया है, आपके पास फ्रेश है तो आप ले सकते हो, चम्मच साबुत जीरा, अनुसार नमक, एक चम्मच दही, 2 चम्मच पानी डालेंगे। अब हम पीस लेंगे, चटनी को पीस लिया है, अब बाउल में निकाल लेंगे। देखिए चटनी हमारी रेडी है, कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत ही टेस्टी बना है। अब इसको साइड में रख देंगे और एक तड़का रेडी करते हैं, गैस पे चलते हैं। फिर तड़का पैन चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है, 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गई है, आधी चम्मच राई डालेंगे और आधी चम्मच सफ़ेद तिल, साथ ही करी पत्ता डालेंगे। कुछ सेकेंड के लिए चटकने देंगे, चटक गई है, अब गैस को ऑफ कर देंगे। अब बैटर को चेक करेंगे, देखिए इधर बैटर भी हमारी सेट हो गई है। अब बैटर के अंदर इस तड़का को डालेंगे, मिक्स करेंगे, तड़का डाल के बनाइए, बहुत ही मज़ेदार बनती है। थोड़ी सी बेकिंग सोडा डालेंगे और 1 चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा डालने से नाश्ता हमारी सॉफ्ट और फुला फुला बनेंगे। मिक्स कर लिया है, देखिए बैटर हमारी एकदम परफेक्ट है, इसी तरह से चाहिए। अब हम गैस पर चलते हैं, गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है, 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल को इस तरह से फैला लेंगे। इस नाश्ता को हम कढ़ाई पे बनाएंगे, कोई भी बना सकते हैं। अब 1 चम्मच बैटर हम ले लेंगे और इसको डालेंगे, इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। अब इसको कवर करके 3 मिनट पका लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम करके 3 मिनट बाद चेक करेंगे। ऊपर से ड्राई हो गई है, थोड़ी सी ऑयल और डाल देंगे। अब हम पलटेंगे, देखिए बड़ी आराम से पलट गई है, हल्के से दबा लेंगे, फिर से 2 मिनट कवर करके पका लेंगे। 2 मिनट बाद फिर चेक करेंगे, पलटेंगे, देखिए इधर कितनी बढ़िया कलर आ गई है। अब गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अलट पलट के 2-3 मिनट और सेक लेंगे। बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है। 5 मिनट में नाश्ता को बना के रेडी कर सकते हो। सर्दी के टाइम है, सुबह सुबह रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तो इस तरह की नाश्ता बना सकते हो। देखिए सीख गई है, नाश्ता हमारी कितनी बढ़िया लग रही है, इसी तरह से हम सभी को रेडी करके ले लेंगे। देखिए नाश्ता हमारी रेडी है खाने के लिए, देखिए कितनी बढ़िया बनी है, बहुत ही सॉफ्ट और हल्का फुल्का नाश्ता है। सुबह की जल्दबाजी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, सुबह शाम कोई भी टाइम बना के खा सकते हो। बहुत ही आसान और हेल्दी रेसिपी है, हरी चटनी सॉस के साथ भी खा सकते हो, गजब की लगती है। उम्मीद करती हूँ आपकी नाश्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नई हो और इसी तरह की आसान नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं, बाय।